हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों देखिए, मैं बना रही हूँ शॉपिंग बैग से एक DIY। तो आप भी इस तरीके से शॉपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं और ये भी बहुत मजबूत होता है। तो मैंने रखा हुआ था काफ़ी दिन से, तो इसको आज यूज़ करते हैं। तो बनाऊंगी, मैं बना रही हूँ इसके साथ छोटे छोटे मैट बनाऊँगी, टेबल मैट। तो बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। तो इसको मैं पतली पतली इसकी स्ट्रिप काट के छोटी गूंद लूँगी, फिर उनसे जो है DIY बनाऊँगी। तो देखिए कितनी मजबूत होती है। और इसको चोटी बनानी है, इसकी स्ट्रिप काटूँगी पहले लंबी लंबी और फिर चोटियाँ बनाऊँगी उसकी। फिर आगे दिखाती हूँ आपको कैसे बनाऊँगी। और देखिए मैंने इस तरीके से इसकी शॉपिंग बैग की पट्टियाँ काटी हैं। चौड़ी काटी थी तो फिर मेरे को पतली काटनी पड़ गई इस तरीके से। और मैंने ये गूंद भी ली, देखिए इनकी चोटियाँ भी बना ली पैर में फंसा के, रबड़ डाली है ताकि खुले ना। तो इस तरीके से मैं सारी इन पट्टियों की इस तरीके से थोड़ी पतली पट्टी काट के इस तरीके की चोटियाँ बनाऊँगी और छोटे छोटे मैट बनाऊँगी। तो देखती हूँ उनको जोड़ूँगी, चाहे तो फेविक्विक से, ग्लूगन से या सुई धागे से जोड़ूँगी, छोटे छोटे टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो कप होल्डर बना रही हूँ मैं, जो कप के नीचे हम छोटा सा मैट रखते हैं ना इस टेबल पे रखने के लिए, क्योंकि निशान पड़ जाते हैं, गर्म होता है कप। तो छोटे छोटे कप होल्डर जो है टी होल्डर मैं बनाऊँगी इससे। तो आप इस तरीके से शॉपिंग बैग से कुछ भी बना सकते हैं, बड़ा सा मैट भी बना सकते हैं सेंटर में रखने के लिए। और डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो चलिए मैं ना अभी ऐसी चोटियाँ बना के तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी, इसमें कलर भी करूँगी बाद में, तो सुंदर बनते हैं। तो इस तरीके से शॉपिंग बैग का यूज़ आप भी कीजिए। तो मैंने ये उड़े ना इसीलिए इसके ऊपर ट्राईपॉड रखा हुआ है। तो पहले मैं ये सारी चोटियाँ बना के तैयार करती हूँ और आपको एक बना के दिखाऊँगी। पहले ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना मुझे, छोटे छोटे बनाने हैं जो कप के नीचे हमारे मैट आ जाए। तो तीन का मैं सेट बना लेती हूँ ये वाला, और फिर इनको पैर में फंसा के इसकी चोटी बना लेती हूँ, जैसे हम चोटी बनाते हैं। तो आप बने रहिए। और देखिए मैंने सारी चोटियाँ बना ली थी और मैं इधर अंदर आ गई थी मैट बनाने के लिए, टी कोस्टर बनाने के लिए। तो मैं ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ, तो ग्लूगन का यूज़ कीजिएगा इसमें, उसी से अच्छे से चिपकता है, कागज़ हार्ड होता है ना। तो इसको चोटियों को घुमा घुमा कर मैंने इनको ग्लूगन से आपस में देखिए जोड़ लिया है, सर्कल में बना बना घुमा घुमा के। तो इस तरीके से आप भी जो है DIY टी कोस्टर आप बना सकते हैं। और ये मजबूत हैं, काफ़ी हार्ड बनते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। और जब इनके ऊपर कलर वलर करूँगी तो उसके बाद आप वार्निश ज़रूर कीजिएगा। मैं भी वार्निश बाद में करूँगी, आपको दिखाने के बाद मैं इसके ऊपर वार्निश का कोट करूँगी ताकि ये मजबूत हो जाए और इसमें शाइनिंग भी आ जाती है अच्छे से। और आप इनको गीले कपड़े से फिर साफ़ भी कर सकते हैं अगर धूल मिट्टी इन पर चिपकती है। तो इनका यूज़ आप और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो बड़ा सा एक मैट भी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चोटियाँ बनी हैं, तो एक बड़ा सा मैट बनाइए और वो टेबल के सेंटर में रखिए, डाइनिंग टेबल पे यूज़ कीजिए। कहीं पे भी आप उसको डेकोरेशन करते हैं तो फ्लावर पॉट के नीचे भी रख सकते हैं बड़ा सा मैट बना के। तो इस तरीके की चोटियाँ गूंद के आप काफ़ी सारी DIY मैट्स जो है बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये बना दिए हैं छोटे छोटे, मैं टी कोस्टर बना रही हूँ क्योंकि मुझे उसी की ज़रूरत थी और मुझे ये काफ़ी दिनों से बनाना था DIY। तो मैं जो है इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अब DIY भी थोड़ा सा शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि पूरा दिन खाली रहते हैं। तो अब थोड़े थोड़े DIY मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बताइएगा ये वाला DIY आपको कैसा लगा टी कोस्टर का। तो ऐसे ही DIY मैं आपके साथ आगे आगे शेयर करूँगी। तो आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई भी DIY आपको बनाना हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊँगी। तो देखिए ग्लू गन से इस तरीके से चोटियों को आपस में मैंने घुमा घुमा के जोड़ लिया और ये ऐसे सर्कल में बनाए हैं। आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, तो पर मुझे सर्कल में इजी लगा और चोटियां जो ऐसे घूम घूम के सर्कल में आसानी से बन भी जाते हैं। तो एक्स्ट्रा जो ये ग्लू गन के धागे हैं ना, इनको निकालना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा ये तारे से निकल जाते हैं, तो इनको फिनिशिंग देनी पड़ती है। तो अभी ये मैंने देखिए बना रही हूँ मैं, तो मैंने बनाए थे 7 टी कोस्टर, तो मैंने स्पीड थोड़ी तेज। तो देखिए मैंने ये टी कोस्टर जो हैं बना लिए हैं इस तरीके से, तो इनको ग्लू गन से जॉइंट किया है
तो देखिए इस तरीके से ये बन गए हैं। तो मैंने 7 बनाए हैं। तो आपके पास जितना भी ये कागज़ हो या आपके पास जो बैग हो, शॉपिंग बैग, उससे आप ऐसे क्राफ्ट जो है बना सकते हैं, एक बड़ा सा भी बना सकते हैं। पर मुझे ज़रूरत थी छोटे कोस्टर, जैसे हम कप वगैरह रखते हैं उसके लिए। टेबल पर कप रखो, जो टेबल गंदा ना हो उसके ऊपर इस तरीके से कप रखिए, ये देखिए आराम से। और इसको मैं सजाऊंगी अभी, आपको कलर वलर इसको करके दिखाऊंगी। तो जो एक्स्ट्रा ये ग्लू गन के धागे हैं ना, इनको निकाल देंगे और बाकी तो खैर पेंट हो जाएगा तो इतना दिखाई नहीं देगा, पर जैसे एक्स्ट्रा निकले हुए इनको निकालूंगी, फिनिशिंग करूंगी इनके अंदर। और काफ़ी मजबूत चीज़ बनती है ये, ख़राब भी नहीं होती जल्दी से। इनको पेंट करूंगी अच्छे से, फिर इनके ऊपर वार्निश करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनको कलर करके आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ पूरे। तो बने रहिए आप। तो आप भी ज़रूरी ऐसे DIY जो है आप घर में बनाइए, बच्चों को सिखाइए। तो गर्मी आ गई है, वैसे भी दिन बड़े होते हैं, तो हम सो भी जाएं तो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है। तो अपना समय व्यतीत करने के लिए ऐसे क्राफ्ट आप बनाइए और यूज़फुल भी बहुत होते हैं। तो ज़रूर अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो मैं इसको आपको पूरा करके दिखाती हूँ। और मैं बैठी हूँ देखिए इधर आईने में, दिखा रही हूँ। शहरी भी आ गया यहाँ पर। तो देखिए ये पड़े हुए हैं इधर मेरे पास, तो मैंने यहीं बैठ के बनाए हैं ये ग्लू गन से। इधर ही पड़ी है ग्लू गन। तो अभी इसको अच्छे से डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए। और मैंने किया है देखिए इनके ऊपर ब्लू कलर। तो आजकल मुझे ब्लू कलर जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऑप्शन में ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा कोई कलर। वाइट मैंने जानबूझ के नहीं किया, गंदे होंगे। तो रेड वेड तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो मैंने जो है सभी के ऊपर ब्लू कलर किया है। और मैंने लिए हैं यहाँ पे पेंटिंग वाले कलर, एक्रेलिक कलर होते हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने DIY में। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये ब्लू कलर के, ऐसे लग रहा है रोज़ हैं ये, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनके ऊपर मैंने ना स्टार भी चिपका के देखे थे, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, चिपकाए नहीं थे, लगा के देख रही थी। पर मैंने बाद में ये आइडिया जो है स्किप कर दिया, क्योंकि फिर वो उबड़ खाबड़ हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनके ऊपर फिर जो है कुछ और किया। तो आप देखते रहिए। तो प्लेन देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, अभी ये गीले हैं तो इनको सुखा रही हूँ मैं। और एक्रेलिक कलर मैंने अपने पास रखे हुए हैं, और देखिए मैंने भी नीला सूट ही पहना हुआ है। तो ब्लू कलर आजकल मुझे अच्छा लग रहा है, तो बताइएगा ये ब्लू कलर आपको कैसा लगा। तो और भी जो आप कोई भी कलर कर सकते हैं, लाइट भी अच्छे लगते हैं, लाइट पिंक, स्काई ब्लू, कोई भी आपको जो भी पसंद हो कलर तो वो आप कीजिए। तो मेरे पास जो कलर अवेलेबल थे ना मैंने वही किए हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सिल्वर डॉट। तो मुझे जो भी आइडिया सही लगा तो मैंने वैसे ही किया। मैंने इस पर सिल्वर डॉट लगाए और बीच बीच में येलो डॉट भी लगाए हैं, आगे आप देखिएगा। तो येलो डॉट भी मैंने लगा दिए। तो बताइएगा कैसा लग रहा है ये डॉट, अच्छे लग रहे हैं या प्लेन अच्छे लग रहे थे। तो ये जो है अच्छे से पूरे हो गए हैं कंप्लीट, और अभी गीले हैं तो उनको सूखने के लिए रखा है मैंने। तो बताइएगा DIY आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए एक बॉटल का मैं DIY कर रही हूँ, और मेरे पास पड़े हुए थे अखरोट के छिलके। बहुत टाइम से मैंने ये DIY बनाने थे पर मैं बना ही नहीं पा रही थी, समय नहीं लग पा रहा था। तो इनको भी मैंने ग्लू गन से ही जो है अखरोट को कांच की बॉटल के ऊपर चिपका दिया है। तो आप फेवी बॉन्ड भी ले सकते हैं जिससे और मजबूती से चिपकेंगे ये। तो अच्छे से देखिए मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ, और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये वाली बॉटल DIY बन के। तो आप बताइएगा आपको ये वाला DIY बॉटल वाला कैसा लगा है। अखरोट के छिलके और पिस्ता के छिलके मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ की है, तो आपको पता तो चल ही रहा है कि किस तरीके से मैं चिपका रही हूँ। और बहुत इजी है ऐसे DIY बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर को अपने DIY बना से सजाइए। तो मुझे तो बहुत पसंद है DIY बनाना और अपने घर को सजाना। तो देखिए मैंने नीचे सारे अखरोट के छिलके लगाए हैं और ऊपर मैं पिस्ता के छिलके लगा रही हूँ, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। इस पर मैंने कोई कलर भी नहीं किया, प्लेन ही रखा है। तो आप बताइएगा कि कलर करना चाहिए या ऐसे ही प्लेन अच्छी लग रही है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी है ये बॉटल बन के, तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरे पास और भी पड़े हुए छिलके अखरोट के काफ़ी, मैंने लिफाफा भर के रखा हुआ है, तो और भी चीज़ों के ऊपर मैं चिपकाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बताइएगा ये अखरोट के छिलकों का आइडिया आपको कैसा लगा। तो मैं बहुत टाइम से सर्दियों से मैं छिलके इकट्ठे कर रही थी, तो
तो रखे भी हुए थे पर समय नहीं लग रहा था DIY बनाने का। तो दोनों DIY आपको कैसे लगे हैं बताइएगा, और आप भी ज़रूर इन DIY को अपने घर में बनाइए और सजाइए। तो काफ़ी सारी बोतलों की शेपें होती हैं, तो काफ़ी जो भी बॉटल की शेप हो उस पर आप ये अखरोट के छिलके आसानी से चिपका सकते हैं। ग्लूगन से जल्दी चिपक जाती है ये चीज़, पर कुछ और मजबूत आपके पास कुछ हो, फेवी बॉन्ड हो या कुछ और भी, तो उसके साथ और भी मजबूती से ये छिलके चिपकेंगे। और आप इस पर कलर भी करेंगे ना तो तब भी ये बहुत प्यारे लगेंगे। बीच में इसमें आप जो आर्टिफिशियल लाइट डालिए बैटरी ऑपरेटेड, तो अंदर से जितना जितना गैप दिख रहा है ना तो उसमें से जो लाइट दिखेगी तो बहुत प्यारा लगेगा। तो देखिए मेरी ये बॉटल DIY बॉटल भी बनकर तैयार है, और ये टी कोस्टर भी बनकर तैयार हैं, तो सात बने हैं ये। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं इनके ऊपर ये डॉट। तो ऐसे लग रहा है ये खाने वाली कुकीज़ हैं, पर ये हैं DIY टी कोस्टर। तो इनके ऊपर आप कप रखिए, गिलास रखिए, कुछ भी रखिए। तो यहाँ पे मैं कप भी रख के दिखा रही हूँ आपको, तो देखिए कोई गिर नहीं रहा इधर उधर, ये उबड़ खाबड़ भी नहीं बने, बिल्कुल इक्वल बने हैं। तो सात मैंने बनाए हैं, तो इनके लिए भी एक थोड़ा रखने के लिए भी एक डिब्बी वगैरह बनाऊंगी, तो वो फिर बाद में आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसमें ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी इनके लिए, जिसमें इनको ऑर्गेनाइज करके रखूंगी, तो किचन में रखूं या फिर आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं सेंटर टेबल पे। तो जब भी चाय पिएं तो एक निकाल कर अपने कप के नीचे रखें। जब छः या सात का सेट बना है तो दो छः जने आएँ तो आपके छः कपों के नीचे DIY कोस्टर आ जाएंगे। तो देखिए मैंने बुद्धा जी के नीचे भी एक जो है आसन बना दिया, जो सातवां बना था, छः का सेट मैंने टी कोस्टर रख लिया। फिर से आपको कप रख के दिखा रही हूँ, तो बताइएगा कैसा लग रहा है ये कप रख के। तो देखिए चाय बनेगी तो पियेंगे और इसको कप के नीचे रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इस तरीके से सजाया, तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।